गए आप। हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आप देख रहे हैं, पता ही होगा क्या देख रहे हो यार, मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। तो भाई मसला कुछ देखो ऐसा है, जब हम इंक को उसमें डालते हैं ना, अरे किस में डालते हैं, हाँ इंक को जब हम पेन में डालते हैं ना, नहीं पेन में नहीं डालेंगे बे, इंक को जब पानी में डालते हैं ना तो वो डिफ्यूज करती है, यानी कि पानी में यकसां तौर पर फैल जाती है, हर तरफ पानी का कलर एक ही हो जाता है, इस होने को ना डिफ्यूजन कहते हैं। तो भाई ये डिफ्यूजन क्या हवा में हो सकता है, यानी कोई ऐसा कलर हो जो हवा में फैल जाए और हल्के हल्के फैले, तो क्या ऐसा होगा? यही सब कुछ मैं करके देखने वाला हूँ। अब वो कैसे होगा, उसमें बम लगेंगे, उसमें नाइक्रोम वायर लगेगा, उसके अंदर बहुत सारे कलर लगेंगे, कलर कैसे बनेंगे, वही सारी चीज़ें आप इस वीडियो में आगे देख पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो फिर तो दिल से थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो भाई लोगों, ये नाइक्रोम वायर इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर इस्तेमाल होता है, निकल और क्रोमीन से बनता है, ये 2000 वाट का मुख्तलिफ भी होते हैं, इसकी रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए गर्म हो जाता है। इसको खींच काच के मैंने कर लिया ज़रा लंबा, लंबाई से तो काम है। इस मार्बल की स्लेब के ऊपर इसको मज़ीद लंबा लंबा कर करा के हमने रख लिया। अब इसके बाद क्या होगा भाई, बताता हूँ ना, ये है बम और इसमें है बहुत ज़्यादा दम, ये है आठ और ये जलेंगे इससे, नहीं नहीं मैं नहीं जलाऊँगा, 6 सेकेंड में ये फट जाते हैं। तो भाई ये जो माचिस की तीली है ना, इसको इसके फीते के साथ इस तरह से नाइक्रोम वायर के अंदर घुसा देना है, ताकि जब 220 नाइक्रोम वायर को मिलेगा वो हो जाएगा गर्म अंगारे की तरह, उससे जलेगी तीली, तीली जलाएगी फीता, और फीता जला तो समझ लें कि हो गई कहानी, यानी कि बम फट जाएंगे सारे के सारे एक साथ। तो बस ऐसा तामझाम हमने कर लिया इसका। अब इसमें लगाते हैं इलेक्ट्रिकल वायर, एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेज, और हम सेफली छुप जाएंगे और एक बटन दबाना पड़ेगा और बस दमादम मस्त कलंदर हो जानी है। तो अभी इसके बाद एक और भी काम होगा, वो दिखाता हूँ अभी ज़रा करीब से क्या होगा। ये चूने का पत्थर, यानी पत्थर नहीं अब तो पाउडर हो गया, इसको 1 महीने के लिए रख दिया। रखने के बाद जब ये पाउडर बन गया ऑक्सीजन के साथ मिलके, इनको थैलियों में डाला, उसके अंदर पानी डाला, थोड़ा थोड़ा सा कलर डाला सूखा, और उसके बाद इसको सुखा लिया और पीस के दोबारा पाउडर बना लिया। तो बस अब इससे इसकी कवर बना देनी है, यानी कि हर बम के ऊपर थोड़ा थोड़ा रंग रख देंगे, यानी कि कलर रख देंगे, और इसकी बन जाएगी कवर। तो यानी कि जब इसको 220 मिलेंगे तो ये फटेगा तो फिर बस डिफ्यूजन हो जाएगा। आपको इतना सा दिखाने के लिए इतना सारा तामझाम करना पड़ता है, तो यारों सब्सक्राइब कर ही दिया करो भाई, ये ज़रा नए स्टाइल में वीडियोज़ बना रहा हूँ, हो सके तो पसंद कर लेना। मुझे तो लगता है इसी तरह की लैंग्वेज आपको समझ में आती है। तो अब शुरू होती है कहानी। तो भाई आखिर में मेरे पास ये बम बचा और मार्बल का ये हाल हुआ, मतलब उसको तो कुछ नहीं हुआ, हर तरफ रंग ही रंग छितर गए। तो भाई ये देखें करीब से, यहाँ पे नाइक्रोम वायर बीच में से जो है गायब हो गई है, यानी कि वो गल गई है, पिघल गई है, और बाकी उसके कुछ टुकड़े उकड़े इधर उधर रह गए, ये देखिए इस तरह से, और सारे कलर यहाँ पर मिक्सअप हो चुके हैं। तो भाई आपने करना है सिर्फ ये, यानी कि सब्सक्राइब, बस बाकी काम मैं करता ही रहूँगा। तो टपोरी भाइयों वीडियो देखते रहना यार, जो टपोरी नहीं है उससे माजरत भाई, थैंक यू।